अरे भर्ती चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स अकेडमी फिजिकल जो कि इंदौर में है। दोस्तों आप आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भाई जो भी एमपी पुलिस के कैंडिडेट है, चाहे आर्मी के कैंडिडेट है या फिर दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट है, जिन लोगों को रनिंग शुरू करना है, रनिंग की शुरुआत करना है, उन लोगों को रनिंग करते वक्त सांस कैसे लेना है। ये एक वीडियो खासकर बिगनर्स के लिए है जो कि अभी रनिंग की शुरुआत किए हैं। देखो रनिंग की सांसें आपकी जो रहेगी यूज करने के लिए रनिंग के दौरान, उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तब आपकी बॉडी फुल एनर्जेटिक रहती है। जब बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहेगी तो उस टाइम पर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ये आपका पहला तरीका होगा। दूसरे तरीके में आपको थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। जब आपका वर्कआउट का 50% कंप्लीट कर चुके हैं तब आपको नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। इस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी थकान होना स्टार्ट होगी, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी आपको आवश्यकता मतलब कि थोड़ी सी बढ़ने लगेगी। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं आपको कि नाक से सांस लेना है, मुंह से आपको छोड़ना है, ये दो तरीके हो गए। लास्ट में आपको जब एंड मतलब कि फिनिशिंग मार रहे हैं आप, यानी कि 90% आपका वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, बस 10% आपका वर्कआउट बचा है, उस टाइम पर आपको पूरी तरीके से मुंह से सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है। भाई ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब 90% आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो कि आपको थकाता है, आपको रुकने के लिए मजबूर करता है, आपकी ब्रीथिंग को हाई करता है। इसलिए सांस लेने का बेस्ट तरीके ये तीन तरीके, चाहे आप कोई सी भी रनिंग कर रहे हैं, 800 मीटर के लिए तैयार हो रहे हैं तो शुरुआत का जो एक राउंड आपको लगाना है वो मुंह बंद करके लगाना है। अब जो एक राउंड बचा है उस एक राउंड में आधा राउंड आपको क्या करना है, नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना है, और जो बचा हुआ लास्ट का आपका 200 मीटर है उसमें फिनिशिंग मारना है, और फिनिशिंग मारते वक्त आपका मुंह का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ये था उन लोगों के लिए, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, आप जब भी सांस लेंगे इन तीन तरीके को फॉलो करिए, आपकी सांसों के अंदर बहुत अच्छा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपकी सांसें बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। अब आपको सिर्फ एक चीज दिखाना है, एमपी पुलिस के कैंडिडेट काफी सारे आ रहे हैं, आर्मी के कैंडिडेट आ रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखो गर्ल बॉयज का हॉस्टल ये सामने है, इक्विपमेंट तैयार हो रहे हैं, और बाकी के ज्वाइन करने के लिए नंबर है 9691007672। बोलो भारत माता की जय। आर्मी ग्रुप खड़ा हो जा भाई।